मटर, आलू, दाल, सलाद। कैसे हो सारे? बढ़िया, उम्मीद करे सब ठीक ही होंगे। तो आज का अपना प्लान है, आपने थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होगा, तो अपन लोनावला में कैंपिंग करके है, लेक साइड कैंपिंग, तो वहाँ पे जा रहे हैं। इस बार मैंने हाईवे से जा रहा, लोनावला पुणे अब काफ़ी बार हो गए है, मतलब वो रोड हाईवे से कितने बार देखा हो आपको, इसलिए थोड़ा अलग है। अंदर से जा रहे सूस गाँव। एक तो गाड़ी को वो मिरर नहीं है, इसलिए बोला पुलिस पकड़ेंगे, टोल नाके पे फाइन भी भरना पड़ेगा। इसका मिरर मैंने इसलिए निकाल के रखा है कि उसके एक मिरर है ना, काफ़ी प्रॉब्लम दे रहा था, स्टेबल रह रहा ही नहीं है, यहाँ वहाँ हिल रहा है सिर्फ, इसलिए निकाल के रखा है। तो मेरे को नया मिरर लगाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है अभी। ओहो, रिवर ब्रिज क्रॉसिंग, स्मशान भूमि, शमशान घाट, इसलिए मैं अंदर से जा रहा हूँ गांव के रोड से, तो थोड़ा एडवेंचर नहीं होगा इतना, मतलब वहाँ पे एकदम नज़दीक पहुँचने के बाद एडवेंचर होगा। बाकी रोड एकदम फर्स्ट क्लास है, सिर्फ एक ही है कि जो हाईवे पे मिलता है आपको तीन लाइन, ओए स्पीड ब्रेकर, वो तीन लाइन नहीं मिलेगा, सिर्फ सिंगल वे मिलेगा जाने के लिए आने के लिए, और बीच में आपको डिवाइडर भी नहीं मिलेगा, तो डबल ओवरटेक होने के बहुत चांसेस है। लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक उतना नहीं है, विलेज रोड होने के कारण एकदम आपको पीसफुल माइंड मिलेगा, नेचर, खेती, छोटे छोटे बंगले, घर, तो यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, यहाँ की लाइफ एकदम मस्त है। ऐसे आएंगे आपके ऊपर सीधा, और डबल ओवरटेक, बाइक हो या स्कूटी हो कार हो, अच्छा है, यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। आगे व्यू अच्छा था, पिछले टाइम हम लोग यहाँ से गए थे, पिछले टाइम बोले तो अभी दो दिन पहले बोले तो क्योंकि हम लोग गए थे तो मेरे को शूट करने मिला ही नहीं, दोस्त लोग थे मेरे साथ, तो दोस्त लोग के साथ सिर्फ लाइव मोमेंट एंजॉय किया, तो कैंपिंग का मेरे को शूट करने मिला ही नहीं, मस्ती मज़ा झगड़ा उसमें सब मेरा चला गया दिन। जब से एंट्री किया कुछ शूट नहीं किया, सिर्फ एंट्री किया, मज़ा किया, लाइव मोमेंट जीने लग गया। फाइव ट्वेंटी 520 520 वाई बिकॉज माई बर्थडे भूल गया था, मैं तो शूट में बोल रहा हूँ तेरे को नहीं वे। अबे 110 रुपए लीटर नहीं, मतलब 111, उसमें भी 4 लीटर या 4.5 लीटर, 9 रुपए कम किए क्या, मतलब 9 रुपए कम करके 15 16 कितना हवा कम था। आप बनाते पंचर? 23 आगे 30 रखना, तो अभी का देखते कितना होता है। ओ हो, राइट साइड में माउंटेन, दो साइड ग्रीनरी, क्या मज़ा आ रहा है बाइक चलाने को। दूसरों को बोलते डबल ओवरटेक कर रहा है, खुद भी डबल ओवरटेक ही कर रहा हूँ ना, देखो बंदे लोग जा रहे, पक्का स्विमिंग करने ही जा रहे, तीन चार बाइक जा रही, मतलब इसलिए फिर से मैं अभी दोबारा जा रहा हूँ उनको। कल मैंने कॉल किया कि मेरा ऐसा प्रॉब्लम हुआ करके, ज़्यादा शूट किया ही नहीं कि मेरा जब जो था वो गोप्रो में था शूट किया। वाह क्या माउंटेन है, ट्रैक करने से क्या मज़ा आएगा। ओहो, अगर मेरा ड्रोन होता तो मैं वहाँ से ड्रोन उड़ाता था, क्या मस्त आता व्यू, एक से एक।
ठीक है कोई नहीं, ड्रोन भी जल्दी आ जाएगा। अगर मेरा चैनल जल्दी ग्रोथ होता है तो भाई पक्का मैं ड्रोन ले लूँगा, क्योंकि अभी नया नया स्टार्टअप है। अभी तक मैं कहाँ पे, अभी तक मेरा ये ऐसा रहेगा, फर्स्ट ट्रिप रहेगा जहाँ पे मैं जा रहा हूँ पैसा खर्च करके। ये तो अब तक मैंने ब्लॉग जो बनाया है एक भी, हाँ सिर्फ IBW गया था, वही रहेगा मेरा, सिर्फ 1000 रुपये का टिकट खर्चा किया था और आज फिर से 1000 रुपया। मतलब बाकी सब ब्लॉग बनाया और सिर्फ लोकल शोकल भी नहीं बोल सकते, एरिया के अंदर ही बनाया और घर पे बैठे बैठे। ओ तारा रपम को सीन में को याद आ गया, रेस रेस रेस। मेरे वाइजर पे ना गांव विलेज रोड से जाते तब यही प्रॉब्लम है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े काकील हो जाते हैं, और अपना वाइजर हेलमेट के होने के कारण अपन सेफ रहते हैं, नहीं तो आँखों में मुंह पे ऐसे फटके लगेंगे ना उनके। ओ गोप्रो बहुत धोखा दे रहा है मेरे को। अच्छा है मेरे पास 2 GoPro है, मेरा उसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, जो फुटेज था सब का सब वैसा का वैसा करप्ट हो गया। तो उनको मैंने कॉल किया कैंप वाले को, क्योंकि मेरे को ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे को शूट करना है वहाँ पे वहाँ का सब। तो उनको बताया तो उन लोग भी राजी हो गए, ठीक है आ जाओ, कोई चार्जेस ले नहीं रहे फिर से मेरा रहने का खाने का पीने का। अरे मैं तो रास्ता ही भूलते जा रहा हूँ, मैप लगाओ क्या। ₹29 सिर्फ बस, 11 मतलब 40 किलोमीटर ही सिर्फ। ये देखो अपने को यहाँ पे जाना है लेक, पावना लेक कैंपिंग, दिख रहा है ये सब पानी पानी पानी, आज ब्लू है पानी पानी पानी, सनी लियोन है ब्लू है पानी पानी। अब क्या करे, गाना आ गया याद। वाओ यहाँ पे है अपना टेंट सब, और ये सामने का व्यू 29 किलोमीटर। अबे 29 किलोमीटर तो हम लोग आधे घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। चलो फिर 11 किलोमीटर हो चुका है और 29, तब 40 किलोमीटर सिर्फ बानेर से 40, और अपना पेट्रोल भरने आए थे 4 किलोमीटर, मतलब 44 किलोमीटर का रास्ता अपने को लगता है गांव और विलेज रोड से। अगर हाईवे से जाते थे तो अपने को 60 किलोमीटर लगता है, या 60 से ज़्यादा। फिर से एक रिवर, ये तो पूरा खाली खाली है, कुछ नहीं यहाँ पे, पानी नहीं है। अभी आएगा बारिश में, जून महीना चालू हो गया, आज क्या है 3 जून है, बारिश पे अपन जाएंगे ना लोनावाला में घूमने, टाइगर पॉइंट देखेंगे। कितना नैरो रोड है यार, लेकिन मज़ा आ रहा है। ओहो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर जब लॉन्ग रूट जाते हैं तभी हाईवे बेस्ट है, बाइक को क्या सब रोड अच्छे लगते हैं, सिर्फ ये नहीं चाहिए क्या बोलते हैं वो पत्थर, ये सब पत्थर सब आएंगे तो बैंड बजती है क्योंकि बॉडी शेक होता है, टायर डैमेज, बाइक की वाट लगती है। और यहाँ पे ओवरटेक करते हो पहले आगे कोई आ रहा है या नहीं देखना पड़ता है, तो क्या ऊपर से रोड भी ऊपर नीचे है, कोई गाड़ी आ रही है दिख भी नहीं रही, तो क्या करना पड़ना पड़ता है, हॉर्न बजाओ ताकि सामने वाले को समझे कि हम लोग आ रहे हैं, तू भी सामने से हॉर्न दे ताकि कंफ्यूजन ना हो। वो हो क्या रोड है स्नेक जैसा, हुई 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 हुई, वाओ एयो एयो, चल साइड हो, क्या सही व्यू आ रहा है साइड में, ऐसा खेती बाड़ी बीच में एकदम छोटा सा नैरो रोड। ओह तोरना फोर्ट मेरे को यहाँ से अब भी दिखने चालू हो गया, मतलब हम लोग नज़दीक पहुँच गए, तुंग फोर्ट तोरना फोर्ट दोनों के बीच में अपन है, ऐसे स्पीड ब्रेकर दिखते भी नहीं है, पता नहीं आप ये GoPro इतना व्यू कैप्चर कर रहे हैं कि नहीं। रुको मैं मेरे दोस्त को बोलता हूँ पीछे से मोबाइल से थोड़ा साइड का व्यू ले, मोबाइल से अच्छा व्यू आता कैप्चर होता है GoPro से, तो मोबाइल से लेने का शूट। अरे बच्चे सुन ना, मोबाइल से थोड़ा वाइल्ड एंगल में पीछे से शूट लेना, मैं बाइक स्लो चलाता हूँ ऊपर से ले। स्पीड ब्रेकर, पहला स्पीड ब्रेकर जो मेरे को वाइट पट्टी मारा दिखा,
तो 4-5 फीट पर उड़ा दिए, दिखे ही नहीं मेरे को। चलो फिर बाय। अरे यार, मेरे कैमरे का सेटिंग अभी देखा, काफ़ी नैरो है, सुपर व्यू नहीं है, तो अभी चेंज करना पड़ेगा। ओहो हो हो हो, क्या रोड है, एकदम कॉर्नरिंग करने के लिए बेस्ट, लेकिन सामने से कौन आएगा कुछ पता नहीं, इसलिए हॉर्न बजाते रहो ताकि सामने वालों को लगे हम भी आ रहे, समझे क्या? और सामने वाले तुम भी बजा करो ऐसे सिंगल रोड पे। और जो आप वीडियो देख रहे मेरी, वो भी याद रखो, हॉर्न बजाया करो, ऐसे सिंगल वे रोड पे, तो क्योंकि क्या पता कौन कैसा आता हो, फोर व्हीलर, बाइक, कार, ट्रक, कुछ बोल नहीं सकते। देखो नाम ले और इन लोग आ गए, इसलिए जितना शार्प टर्न रहेगा आपके लिए खतरा हो सकता है, इसलिए ड्राइव राइट सेफ, राइड हार्ड, राइड सेफ। ओहो हो, अरे अपना ये कहाँ पे हो गया? डैम अभी तक आया नहीं, डैम कब आएगा मेरे भाई? आएगा नहीं यार, कुछ पता नहीं, आएगा डैम आएगा, एक बात है सब आएगा, मेरे अंदर ऋतिक रोशन आ सकता, डैम क्यों नहीं आ सकता? ओ भाई क्या पका रही है, मारो इसको, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, मैं तो मेरे को मारने आओगे तो मैं भाग जाऊंगा ऐसा। देखो वाह क्या स्पीड है, इतने नैरो रोड में इतना भगा रहा है, मैं पागल हो गया क्या? हाँ पब्लिक फटके देंगी ना मेरे को, किसने रुका है तो क्या करे, ये बाइक में टॉर्क ही ऐसा है कि कुछ बोल नहीं सकते, नॉर्मल थोड़ा रेस्ट दे दो बाइक भागने लगती है। अब मेरे हाथ में नहीं है, जितना मैं स्लो चला रहा कब से, फर्स्ट टाइम इतना भगाया नैरो रोड पे, मतलब ओ हो 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 हो। इसको क्या हो गया, साइड में रुका, साइड में रुका बोल रहा है। शायद नीचे जाना था, हम लोग ऊपर आ गए, कोई बात नहीं, हम लोग ऊपर से शूट लेंगे। 2 मिनट, अबे ये तो एडवेंचर है, यहाँ पे भी एडवेंचर, वहाँ पे भी एडवेंचर। हाँ Thank you.
ऊपर माउंटेन्स के ऊपर हम लोग आ गए, सच में पहाड़ों में खो गया हूँ मैं, रास्ता भटक गया हूँ, मंजिल में जा रहे हैं लेकिन मंजिल में मेरे को जाने मिल ही नहीं रहा है, बस मेरे को यहाँ वहाँ घुमा रहे हैं ऐसे एक 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 से एक नज़ारे दिखा के। लालच दे रहा है, लालच, तू जा ही मत आज पावना लेक। एव एव राइट ले फुड़े जा गेट क्रॉस कर, गेट ओ नो, क्या एडवेंचर हो गया हम लोग का, तो मंजिल में हम लोग जा ही नहीं रहे, कब से यहाँ वहाँ घूम रहे। अभी यहाँ पे कैसा बारिश नहीं, इसलिए पूरा स्पॉट पे पूरा एकदम खाली है। एक बार बारिश आने तो स्पॉट पे चलने के लिए जगह नहीं रहेगी, ज़्यादा करके वो भूसी डैम पे इतना क्राउड रहेगा, ट्रैफिक ये वो इसकी जात का। ओहो क्या व्यू है भाई, पैसा वसूल व्यू, मेरे को अभी कैंपिंग जाना ही नहीं है ऐसा लग रहा है। इन लोग कहाँ पे जा रहे हैं? वाह क्या माउंटेन है, माउंटेन ड्यू पीने का और डर भगा देने का। अरे डर तो अपने को है ही नहीं, बचपन में सिर्फ घर वाला डरा देते हैं, इसलिए थोड़ा फोड़ा डर लगता है अंधेरे में। तो क्या अभी वो उसका भी डर नहीं अंधेरे का भी, अपन नाइट राइडर बन गए, नाइट में घूमते रहते हैं। और यहाँ पे पैरासेलिंग चल रहा है, कितने कौवे उड़ रहे। कौवे बोले तो अपने इंडियन परिंदे, ओ भाई उतारो मुझे, उतारो 100-200 रुपया ज़्यादा ले लो लेके मेरे को नीचे उतारो, ऐसे वाले कौवे। क्या प्रॉपर्टी है, वन साइड। ओ हो शह, गोप्रो कैप्चर क्यों नहीं कर रहा इतना, कुछ करो यार गोप्रो वालो, इतना अच्छा काम करता है मेरे को ही धोखा देता है। अच्छा है रस, दो गोप्रो इसलिए हर बार बच जाता हूँ। ओ नो, मैंने फिर से वाइल्ड एंगल शायद किया नहीं, सुपर व्यू फिर से वही करके रखा हूँ, नैरो एंगल। चिल्ला भाई इतना छोटा रोड है, ऊपर से ट्रक वाला इतना भगा रहा है, तो यहाँ के गांव वाले परेशान हो गए ना, जो जिनका रोज का आना जाना है, दूसरों को तकलीफ नहीं देने के, वाह खुद के मजे लेने के चक्कर में दूसरों को तकलीफ। हो पावना लेक पहुँचने से पहले ही इतने मजे आ रहे,
पावना लेक जाने क्या होगा, मेरे को लगता है मेरे को दो हिस्सों में ब्लॉग बनाना पड़ेगा। कितना भी कोशिश कर लो अब मैं, मेरा टून चेंज नहीं होगा। ओ मामा क्या रोड है बाबा, अरा जो पूरा जीरो टर्न यू टर्न हो गया, काश ये मेरे को पहला पता होता, लेकिन अच्छा नहीं, अच्छा वो पता नहीं चला। काफ़ी मिट्टी है, काफ़ी टाइम हो गया, चेकिंग का टाइम था 4 बजे। क्या चेकिंग विकिंग, हम लोग का थोड़ी चेकिंग, हम लोग सिर्फ शूट करने जाना है। फिर भी यार काफ़ी लेट हो गया है, इसलिए इसको बोला जल्दी आ जल्दी आ, नज़ारे में ही हम लोग का टाइम चला जाता है। वो बोलते ना सफ़र का मज़ा भाई मंजिल से ज़्यादा, वो यही सब रहता है, जो आपको मंजिल में पहुँचाने तक जो मिलता है ना मज़ा, वो मंजिल में पहुँचने का इतना नहीं मिलता। ओ हो क्या ब्रिज है, अरे वाह, ऊपर से ये बाइक क्या पावर है, क्या पावर है। अगर इसका आपको रिव्यू चाहिए तो बताना मेरे को कमेंट करके, भर भर के मैं रिव्यू दे दूँगा, सब अच्छा अच्छा अच्छा, बुराई भी है यार एक ही है, नहीं ऐसे ज़्यादा बुराई भी बहुत है। क्या बुराई करो ये बाइक की, बुराई बोलने जैसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक छोड़ो था जो नीचे लगता है ना ऐसा टाक, ग्राउंड क्लियरेंस स्पीड ब्रेकर पे जब नीचे लगता है तब भाई दिल में लगता है, स्पीड ब्रेकर पे जब नीचे लगता है ना दामन में दाग है तो। हाँ तो हम लोग रास्ता भटक गए थे, 1 किलोमीटर नसीब मैप देखा 1 किलोमीटर आगे जा, आगे नहीं आए थे तो हम लोग फिर से पीछे जा रहे हैं। वो नाम के लिए मंजिल सा सफर का मजा है ही। अभी पूरा रोड की बैंड बज चुकी है, यहाँ से 3 किलोमीटर दिख रहा है मैप में, शो कर रहा है कि अभी ऐसा ही रोड है। तो पावना लेक जाते जाते 3 किलोमीटर आपको तकलीफ से नहीं पड़ेगी, टायर पंचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपके रिस्क में है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद जो मज़ा आने वाला है वो वर्थ है। हाँ ये कुछ नहीं है इसके आगे तो, ओ रे भाई तड़ 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 तड़। और कल मैं आया था, मेरे दोस्त ने मेरे को गिराया और नाखून टूट गया मेरा। कुछ नहीं होते रहता है छोटी छोटी चीज़ों में, क्योंकि मेरा बर्मेन का टायर पंचर हो गया था। फिर उसके एक्टिवा पे हम लोग ट्रिपल सी जा रहे थे, तो एक्टिवा ये रोड पे क्या पिकअप लेगी, क्या ही पिकअप लेगी भाई, बता बताओ बताओ। फिर भी हम लोग ने कैसे कैसे करके यहाँ से बाहर आए, पंचर बनाया है, फिर मैं मेरे बाइक पे, और यहाँ पे ऐसे ट्रक काफ़ी जमा हो गए थे, वो बंद गिर गया था, उसका मिस बैलेंस हो गया, जेसीबी वाले ने डरा दिया, इसलिए मैं बोला मेरे को जेसीबी से डर लग रहा है कुछ देर पहले। अरे वाह बाय बाय, और ये गोप्रो भी ख़त्म होने आया, 3% बैटरी है, चलो 3% तो 3% कोई बात नहीं। क्या रोड बना है, क्या रोड है, कमर की तो ऐसी की तैसी हो गई है आधे किलोमीटर में ही। क्या ही बोलूँ अब, क्या ही बोलूँ, ओ नो ओ नो ओ नो। अरे भाई जरा देख के चलो, अरे भाई अरे भाई, यहाँ पे ट्रक वालों ने थे बैंड बजा के रखी है, रुकना ही पड़ेगा मेरे को। पावना लेक जिए टू जिए तो जिए कैसे, कैंपिंग के आगे क्या बेसुरा हूँ मैं, अगर मैं म्यूजिक सिलेक्शन के लिए गया ना पहले मेरे को लात मार के गेट से ही भगा देंगे। क्या बोर कर रहे, चलो फिर आगे मिलते, आगे तो मट्टी है, पूरा मट्टी मट्टी में एक्टिव स्लीप हो गई थी इसलिए गिर गया बेचारा बंदा मेरा दोस्त, बेचारा नहीं बोल सकता जिसके साथ मैं चेस कर रहा था ना, जहाँ पे मैं चेस जीत गया था वही बंदा
आपको आगे दिखेगा चेस खेलते वक्त में, और मैं जीत गया था। काफ़ी सालों बाद खेल रहा था, लेकिन भाई को मैंने ऐसे ही हरा दिया। क्या अपने नाद में लगने का नहीं, बोले तो अपन बहुत हार्ड है, हार्ड बंदा। सनसेट मेरे को कैप्चर करने का है। सनसेट कितना बज रहा है? 6 बज गया। एक ही घंटा है अपने पास उजाला में, बाद में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा कायम रहेगा। आप भी सोच रहे हो कितना पकाता है। ठीक है ना यार, ऐसे रोड में आप लोग को ही पकाओगा ना। अपन अपने लोकेशन पे आ गए हैं। ये अपना कैंप है।